अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेजी केक की रेसिपी, जो कि 5 इंग्रेडिएंट से बनता है। ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसमें जो चीजें चाहिए आपको दिखाते हैं। इसमें जाएगा 4 कप्स ऑफ मिल्क, 1 कप सॉल्टेड बटर, 1 कप अनस्वीटन कोको पाउडर, 1 कप शुगर। मैंने मैरी बिस्किट्स के इस तरह के 5 पैक्स लिए हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक पॉट और इसकी मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें चली जाएगी चीनी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर। एज यू कैन सी ये बहुत जल्दी बनता है। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को पास डंप इन कर देना इनटू द पॉट और हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोको पाउडर और इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। मेक श्योर दैट यू यूजिंग अ विस्क, अदरवाइज इसमें कोको पाउडर की लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको चीनी ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 1/4 कप चीनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 कप से बहुत माइल्ड मीठा इसमें आ जाता है। जब तक बटर डिजॉल्व नहीं होता तब तक इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अभी मैंने फ्लेम मीडियम लो पे रखी हुई है। जैसे ही बटर इसमें मेल्ट हो जाएगा हम फ्लेम को मीडियम हाई पे कर देंगे और इसको रिड्यूस होने देंगे 15 से 20 मिनट्स तक। हमारा जो मिक्सचर है वो अब बबल होना शुरू हो गया है और साथ साथ मैं इसको स्टर कर रही हूँ। अगर मैं स्टर नहीं करूंगी तो कोको पाउडर नीचे से बर्न हो जाएगा। सो मेक श्योर यू कॉन्स्टेंटली स्टरिंग इट। एंड ये थिकन अप होना शुरू हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी थिक हो रही है। बट वी गोइंग टू कुक इट फॉर अबाउट 15 टू 20 मिनट्स ऑन मीडियम हाई फ्लेम, जब तक ये मिक्सचर हाफ रिड्यूस नहीं हो जाता। 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा मिक्सचर जो है वो काफ़ी थिक हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और अब हम अपने बिस्किट्स को क्रश करेंगे और इस मिक्सचर को इसमें कम्बाइन करेंगे। बिस्किट्स को हमने बहुत फाइनली क्रश नहीं करना, बस मैं इनको हाफ में और फिर दोबारा हाफ में जो है तोड़ दूंगी। सारे बिस्किट्स को इस तरह क्रश कर लेंगे। अब मैं अपना चॉकलेट मिक्सचर बिस्किट्स के ऊपर पोर कर दूंगी। इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ताकि सारे बिस्किट्स चॉकलेट मिक्सचर में कोट हो जाएं। आप चाहें तो अपनी बिस्किट्स ऑफ चॉइस यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप इसमें ओरियोज भी डाल सकते हैं या फिर डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मैरी बिस्किट थोड़े से ब्लैंड होते हैं, सो दे आर परफेक्ट फॉर दिस रेसिपी। मिक्सचर हमारा अच्छे से कंबाइन हो गया है। सो किसी ग्लास डिश में भी बना सकते हैं, किसी फ्लैट ग्लास डिश में, बट मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 लोफ पैन्स और इसके अंदर मैंने इसे कवर कर दिया प्लास्टिक रैप के साथ ताकि ये बॉटम पे स्टिक ना हो और इजिली हम इसको निकाल सकें। तो अब मैं जो हमारा मिक्सचर है इसको इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। आई होप आपको ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी हो, बिकॉज इट हैज़ नो एग्स, इट हैज़ नो फ्लावर और इसमें कोई बेकिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है और ये बहुत मज़े का बिस्किट केक बन जाता है। इसको लेवल अप कर लेंगे। बाकी मैं दूसरी टिन के अंदर डाल दूंगी। अब हम अपने केक को काउंटर टॉप पे कूल होने के लिए रख देंगे 15 से 30 मिनट्स तक। जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। प्रेफरेबली इसको ओवरनाइट रखना चाहिए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये बहुत अच्छा सा चिल्ड हो जाए एंड देन इट विल बी रेडी टू सर्व। तो चलिए इसे कूल डाउन करते हैं एंड देन वी प्लेस इट इन द फ्रिज। हमारे केक कूल डाउन हो चुके हैं, नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस देम इन द फ्रिज। मैंने केक को ओवरनाइट फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप 2 से 3 आवर्स के लिए भी इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं। मैंने ले ली थी 2 डेयरी मिल्क की चॉकलेट बार्स और 2 टेबलस्पून क्रीम के साथ। मैंने उसे माइक्रोवेव ओवन में हीट अप कर लिया था। इसको मैं स्प्रेड करूंगी कोल्ड केक के टॉप के ऊपर। दिस स्टेप इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास घर में न्यूटेला है तो आप डायरेक्टली इसमें न्यूटेला भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से कुछ इस तरह का होता है। इसे सर्व कर लेते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। जो केक है वो बहुत रिच और चॉकलेटी बना है और बिस्किट से टेक्सचर बहुत मजे का आ रहा है। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप जरूर ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे। आई बी मीटिंग यू गाइज इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।